संयुक्त किसान मोर्चा की लखनऊ में आज महापंचायत भाकियू नेता राकेश टिकैत भी होंगे महापंचायत में शामिल। किसान आंदोलन के मुद्दों पर बनेगी रणनीति। 82 साल के हुए सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, सीएम योगी ने ट्वीट कर मुलायम सिंह यादव को दी जन्मदिन की बधाई, कहा प्रभु श्री राम उन्हें स्वस्थ रखे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गोरखपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को करेंगे संबोधित, शाम 4:30 बजे के करीब वनटांगिया परिवारों के साथ भी करेंगे संवाद। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज लखनऊ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे बैठक, सीएम के घर डिनर से पहले कोर कमेटी की बैठक में भी होंगे शामिल। कृषि कानून के बहाने सीएए और एनआरसी को हवा देने की कोशिश, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कही सीएए एनआरसी को वापस लेने की बात, मांग पूरी न होने पर पकड़ेंगे आंदोलन की राह। उत्तराखंड चुनाव से पहले फिर गरमाया देवस्थानम बोर्ड का मामला, तीर्थ पुरोहितों ने सरकार पर बनाया तीनों कृषि कानूनों की तरह देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का दबाव, आज देहरादून में चार धाम महापंचायत की बैठक में तय होगी रणनीति। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरीश रावत के बीच हुई मुलाकात, उत्तराखंड के दो पूर्व सीएम की मुलाकात से सियासत गर्म, डिफेंस कॉलोनी में मिले हरदा और त्रिवेंद्र सिंह रावत। हापुड़ के नगर कोतवाली इलाके में मैरिज होम में गैस रिसाव से लगी आग, अचानक सिलेंडर फटने से मौके पर बची अफरा तफरी, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग, बड़ा हादसा होने से टला। सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर खनन से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर दुकानों में जा घुसा, ट्रक ड्राइवर मनोज की मौके पर मौत, नींद की झपकी के कारण हुआ हादसा। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे मार्ग पर गांव लिलोन में बड़ौत डिपो की एक रोडवेज बस के चालक को दौरा पड़ने से हुआ हादसा, हादसे में बस अनियंत्रित होकर एक मकान में घुसी, घटना में करीब 25 से 30 लोग घायल। झांसी के ललितपुर हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की मौत, 2 दर्जन जख्मी, कस्बा बबीना से बारात करके लौट रहे थे ट्रैक्टर। सहारनपुर में अनियंत्रित बाइक सड़क किनारे खाई में गिरी, हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, मौके पर ग्रामीणों की भीड़ हुई जमा, मिर्जापुर इलाके के पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा। शामली में भाजपा नेता के घर पर दबंगों का हमला, भाजपा जिला उपाध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा के पिता को मारपीट कर किया घायल, आए दिन शराब पीकर दबंग करते हैं हंगामा, घटना के बाद से भाजपा नेता का परिवार दहशत में। बरेली में आम आदमी पार्टी की महिला प्रत्याशी पर जानलेवा हमला, कुदेशिया फ्लाईओवर पर हथियारों से लैस 6 बदमाशों ने लाठी डंडों और धारदार हथियार से की मारपीट, चुनाव प्रचार कर अपने घर जा रही थी कृष्णा भारद्वाज, अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुरादाबाद के सिविल लाइन्स इलाके में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, ओवरटेक करते वक्त बाइक टकराने को लेकर किया हंगामा, युवक पर शराब के नशे में बाइक चलाने का आरोप। मुजफ्फरनगर की मंसूरपुर थाना पुलिस और बदमाशों के बीच चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़, दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर पुलिस कर रही थी चेकिंग, 2 बदमाश पुलिस की फायरिंग में घायल, पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, इन बदमाशों के पास से 2 तमंचे, 3 कारतूस और एक संदिग्ध बाइक बरामद, बीती 18 तारीख को कहासुनी के बाद 2 रेस्टोरेंट कर्मचारी पर बरसाई थी गोलियां। गोंडा पुलिस ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अपराधियों का जिला बदर की कार्रवाई करने की मुहिम शुरू की, चुनाव से पहले जिले के बड़े अपराधियों को जेल में किया जाएगा बंद, तो कुछ अपराधियों को जिला बदर करके गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत में गैंग रेप हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी प्रेमी को पकड़ा, बीते शनिवार को हुई थी घटना का 9 दिन के बाद पुलिस ने खुलासा किया, खुलासे में मृतका के प्रेमी को बनाया आरोपी। देहरादून में त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरीश रावत की डिफेंस कॉलोनी में हुई मुलाकात, तमाम राजनीतिक पहलू और तमाम राजनीतिक विषयों पर दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत।
कैराना में ट्रॉली बेचने को लेकर हुए आपसी विवाद में सगे भाई ने अपने छोटे भाई को सिर पर मारकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच में जुटी। सीतापुर में एक युवक ने अपनी साली और अपनी बेटी को गोली मार दी, उसके बाद खुद को भी गोली मार दी। बेटी और पिता में हुआ था विवाद। फतेहपुर के बेता गांव में जंगल में संचालित हो रही अवैध शराब फैक्ट्री का ड्रोन कैमरे से छापेमारी। 230 लीटर शराब बरामद, 11 क्विंटल 50 किलो लहन नष्ट किया गया। 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज। गोंडा में कपड़े की दुकान के सामने सड़क किनारे खड़ी बाइक को चोर लेकर फरार, घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोर की तलाश में जुटी। मेरठ में दिन दहाड़े पेपर व्यापारी को मारी गोली, गोली लगने से व्यापारी गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया, मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली से आई विजिलेंस टीम ने बाजार में छापेमार कार्रवाई की। कॉस्मेटिक की दुकानों पर बिक रहे ब्रांडेड कंपनी की प्रोडक्ट्स की डुप्लीकेट सामान बिकने की जानकारी पर दिल्ली से आई विजिलेंस टीम ने छापेमारी की। मुजफ्फरनगर में गौकशों के बीच मुठभेड़, एक शातिर गौ तस्कर घायल, एक उपनिरीक्षक भी गोली लगने से घायल। 3 आरोपी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब। गोंडा में एक छात्रा ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटककर फांसी लगाकर जान दे दी थी। लव अफेयर के चलते घटना को अंजाम दिया गया था। मृतका के पास एक सुसाइड नोट और डायरी मिली जिसमें एक लड़के का नाम था। पुलिस लड़के को हिरासत में लेकर पूरी मामले की जांच में जुटी। कौशाम्बी में जलेबी पर शुरू हुई सियासत। सपा राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज के जलेबी वाले बयान पर बिफरे चायल विधायक संजय गुप्ता। इंद्रजीत ने जलेबी वाला विधायक बोलकर बिरादरी का किया अपमान। चायल विधानसभा के मखोपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में इंद्रजीत सरोज ने दिया था विवादित बयान। आजमगढ़ में शादी से इनकार करने से नाराज युवक ने लगाई फांसी, गांव के पास आम के पेड़ पर मिली युवक की लटकती लाश। मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी सुरेश सिंह की संपत्ति की गई कुर्क, मौके पर तहसीलदार तथा सिटी मजिस्ट्रेट कुर्की की कार्रवाई करने पहुंचे। मोरादाबाद में एक महोत्सव में अश्लील डांस, दो पक्षों में मारपीट का वीडियो भी हुआ वायरल। पागबड़ा महोत्सव मेले में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, मेले में किसी बात को लेकर चले लात घूंसे। बस्ती में ऑपरेशन क्लीन के तहत जिले में अपराध और अपराधियों के धरपकड़ को लेकर चलाए जा रहे अभियान में पुरानी बस्ती पुलिस और स्वॉट टीम के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान पुलिस को सफलता मिली। टीम ने अंतर जातीय गैंगस्टर लुटेरे को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। दो दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी, गरीबों को सीएम योगी की बड़ी सौगात, 1400 परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत घर की दी सौगात। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म सिटी को मंजूरी, मॉडर्न फिल्म सिटी के प्रोजेक्ट को शासन ने मंजूरी दी। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 21 में बनेगी फिल्म सिटी, 1000 एकड़ में 17000 करोड़ की लागत से बनेगी फिल्म सिटी। किसान आंदोलन को लेकर जारी है तकरार, राकेश टिकैत ने ट्विटर पर जारी किया पोस्टर, पोस्टर के जरिए टिकैत का सरकार पर हमला। पोस्टर में लिखा एमएसपी नहीं तो आंदोलन वही। पीएम मोदी के साथ बात करते हुए सीएम योगी ने ट्वीट की अनोखी तस्वीर, राजभवन में पीएम से मिले थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ट्वीट कर लिखा एक नया भारत बनाना है। यूपी को मिले 310 विशेषज्ञ डॉक्टर, लखनऊ के लोकभवन में कार्यक्रम के दौरान सीएम ने विशेषज्ञ डॉक्टरों को दिया नियुक्ति पत्र, कहा विशेष काम करते रहिए। नए डॉक्टरों को सीएम योगी ने दी बधाई, कहा कोरोना महामारी में डॉक्टरों ने जान की बिना परवाह किए लोगों की सेवा भाव से किया काम। सीएम योगी बोले यूपी ने कोरोना टेस्टिंग में रोजाना 4 लाख की क्षमता बनाई, कोरोना महामारी के दौरान यूपी के प्रबंधन की दुनिया में तारीफ हुई।
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आगरा कॉलेज मैदान पर मिनी मैराथन को किया फ्लैग ऑफ। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम तक खुद भी दौड़े किरण रिजिजू। मंत्री रिजिजू ने मार्च पास्ट की सलामी लेकर चार दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का किया आगाज। इस मौके पर किरण रिजिजू ने कहा, हमारा लक्ष्य आगामी ओलंपिक में टॉप 10 में आने का है। पीलीभीत में गैंगरेप हत्या पीड़ित के परिजनों से मिले सांसद वरुण गांधी। परिवार को कहीं न्याय दिलाने की बात, वरुण गांधी ने कहा, कोई भी निर्दोष नहीं जाएगा जेल। हरिद्वार में ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया संवाद, ऑटो में बैठकर सफर भी किया। हरिद्वार में अरविंद केजरीवाल का ऑटो चालकों से वादा, कहा सरकार बनी तो ऑटो चालकों की समस्याएं करेंगे दूर, दिल्ली की ही तरह उत्तराखंड में दूर करेंगे समस्याएं। देहरादून पहुंचने पर अरविंद केजरीवाल बोले, उत्तराखंड के लोग बना चुके हैं मन कि राज्य में नई पार्टी को देना चाहिए मौका। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में मसूरी नगर पालिका को उत्तराखंड में पहला स्थान और देश में 91वां स्थान मिला, जिसके तहत मसूरी नगर पालिका परिषद को स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला स्थान प्राप्त करने पर केंद्र सरकार की ओर से 25 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। हरिद्वार में दो दिवसीय राहुल प्रियंका गांधी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग का समापन, पदाधिकारियों ने अपनी बात वरिष्ठ नेताओं के सामने रखी। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए पार्टी के पदाधिकारियों ने कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है उस पर विचार विमर्श किया। हरिद्वार में केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया बड़ा ऐलान, कहा आप सरकार बनी तो अयोध्या में कराएंगे मुफ्त यात्रा, उत्तराखंड में भी तीर्थ यात्रा योजना शुरू करेंगे। कर्णप्रयाग में चार चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर चोर को पुलिस ने बिहार के जिला सिवान से किया गिरफ्तार। एसओजी और पुलिस की 6 सदस्यों की टीम ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अल्मोड़ा पहुंचे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश वर्मा का बयान, कहा चुनावों को लेकर भाजपा का नारा अब की बार 60 बार। पौड़ी में वन विभाग की नर्सरी में इन दिनों कई तरह की प्रजातियों की 65,000 से अधिक पौधे हो रही है तैयार। ये पौधे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ वन्य जीवों के लिए फायदेमंद होंगे। कौशाम्बी में आयोजित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। मंच पर पहुंचते ही उन्होंने भीड़ को हाथ उठाकर अभिवादन किया। खाद की कालाबाजारी, धान क्रय केंद्रों पर लापरवाही और गन्ने का मूल्य 500 रुपए करने सहित किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन कर गैसड़ी ब्लॉक पर घेराव किया। पूर्व मंत्री डॉक्टर एसपी यादव की अगुवाई में सपा कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी से जुलूस निकाला। बेबी रानी मौर्य ने बदायूं का दौरा किया, बदायूं जिले के बिसौली में एक जनसभा को भी संबोधित किया। भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी की पहल की तारीफ, सांसद खेल महाकुंभ के आयोजन की तारीफ, देश के पहले सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन, 12,000 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया, 46,000 दूसरे खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। फरुखाबाद में कृषि कानून वापसी पर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर महिला किसानों ने नाच गाना करके जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले दो रोहिंग्या गिरफ्तार, एटीएस ने पश्चिम बंगाल से रोहिंग्याओं को दबोचा। 8 आधार कार्ड, 3 वोटर आईडी, 3 पैन कार्ड समेत तमाम दस्तावेज और बांग्लादेशी करेंसी बरामद। बाराबंकी में ओवैसी की जनसभा में आपस में भिड़े कार्यकर्ता, मंच पर बैठने को लेकर कार्यकर्ताओं के दो गुट भिड़े, पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया। सपा विधायक असलम चौधरी के एक बार फिर बिगड़े बोल, लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर को देख लेने की दी धमकी, वीडियो हुआ वायरल। विधायक को फिर कह रहा हूँ कि जो 7 बेटों की गोली लगवाई है तेरे भी इसका बदला मैं लेके दिखाऊंगा।
सपा विधायक असलम चौधरी को भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दिया जवाब, असलम चौधरी को बताया अनपढ़। मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उनकी बात का क्या बुरा मानना है, वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, कुछ भी बोल सकता है। बदायूं में पुलिस परेड ग्राउंड में बरेली जोन बरेली की 46वीं अंतर जनपदीय अलार्म एफिशिएंसी रेस एवं रिवॉल्वर पिस्तल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। बलिया में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी केंद्रीय कार्यालय पर बीएड टेट 2011 के सैकड़ों बेरोजगार अभ्यर्थियों ने सुबह सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को ज्ञापन सौंपा। ओम प्रकाश राजभर ने टेट अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया। गहलोत मंत्रिमंडल का पुनर्गठन, 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ, 3 महिलाओं को मिली जगह। राजस्थान कैबिनेट में बदलाव से सचिन पायलट खुश, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा इसका गुट उसका गुट नहीं, कांग्रेस एक पार्टी ने जो कदम उठाया उसका संदेश अच्छा जा रहा है। भारतीय सेना का दुश्मनों को कड़ा संदेश, 15,000 फीट की ऊंचाई पर फहराया 76 फीट का लंबा राष्ट्रीय ध्वज। शिक्षा विभाग ने अगले आदेश तक किया दिल्ली के सभी स्कूलों को बंद, ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी जारी। वायु प्रदूषण के मौजूदा हालात के मद्देनजर मेट्रो ट्रेनों और बसों में यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति दी। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने रचा इतिहास, घरेलू T20 सीरीज में न्यूजीलैंड का किया सुपड़ा साफ, कोलकाता के ईडन गार्डन में न्यूजीलैंड को 73 रनों से हराकर शानदार जीत की दर्ज। भारत ने 3-0 से अपने नाम की सीरीज, इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 184 रन बनाए और न्यूजीलैंड की पूरी टीम को 111 रन पर ही ढेर कर दिया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने 56 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली। रोहित शर्मा ने आखिरी T20 मैच में अनोखे रिकॉर्ड किए अपने नाम, T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बने रोहित। T20 में 150 छक्के लगाने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी के खिताब पर भी किया कब्जा। लाल लहंगे में दुल्हन की तरह सजी धजी मौनी रॉय सोशल मीडिया पर कहर बरपाती नजर आ रही है। मौनी रॉय इतनी खूबसूरत लग रही है कि नजरें हटा पाना मुश्किल है। एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने सर्जरी के बाद अपना नया लुक फैंस को दिखाया। सुष्मिता वीडियो में छोटे बालों और बड़ा सा चश्मा लगाए नजर आई। उन्होंने फैंस को शुक्रिया कहा। 19 नवंबर को सुष्मिता ने अपना 46वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था। एक्ट्रेस सारा अली खान ने बेहद प्यारा वीडियो किया शेयर। इसमें वो झीलों के शहर में सूरज की किरणों के साथ अटखेलियां करती नजर आई। वीडियो में उनकी सिंप्लिसिटी और खूबसूरती ने फैंस को अपना दिल थामने पर मजबूर कर दिया।